क्या क्या मेरे पास ड्राइंग टूल से और क्या क्या नहीं है, बट मेरा जो ड्राइंग टूल से बहुत ज़्यादा ही लो प्राइस का है और चीपेस्ट का है। कुछ कुछ थोड़ा दो तीन मेटेरियल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, वो भी मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहिए। और एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप अगर ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग पे ज़्यादा टूल्स के ऊपर मैटर नहीं करता है। और ये जितना भी टूल्स है मैं बहुत मतलब बहुत धीरे 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 परचेस कर रहा हूँ, बिकॉज मैं देखा मेरा आर्ट पे इम्प्रूव हो रहा है, मैं परचेस कर रहा हूँ। आर्ट में इम्प्रूव हो रहा है, मैं परचेस कर रहा हूँ। अगर आपके आर्ट में इम्प्रूव है तो आप जरूर परचेस करें। मैं नहीं बोल रहा कि आपके आर्ट में इम्प्रूव है आप मत परचेस करें, बट अगर आपकी इम्प्रूव है तो भी परचेस करिए। अगर आपको आता है करना तो ही परचेस करिए। और जो भी मेटेरियल है आपको सब शेयर करूँगा। और बहुत सारे टूल्स अभी तक नहीं है, बट आगे जाके बहुत कुछ खरीदूंगा अगर आपका प्यार ऐसे तरीके रहे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स टू स्टार्ट द आउट। हे गाइस, तो यहाँ पर जो जो मेरा टूल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट बाय फर्स्ट। सो मैं पहले जो है एक अप्सरा का पेंसिल है, देख सकते हैं अप्सरा का पेंसिल का सेट है। मैं थोड़ा सा ऐसे करके लगा हूँ, जगह कम है। और एक है कैमिन का पेंसिल, एक है आनलाइन का पेंसिल। ये बहुत ही ये तीनों चीपेस्ट पेंसिल है और इसके ऊपर भी कॉम्पेरिजन वीडियो है। और एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव पेंसिल जब मेरे पास है, ये स्टेडलर का पेंसिल। मैं आज तक एक्सपेंसिव पेंसिल में इसको यूज़ करा हुआ और ये बहुत ज़्यादा स्मूद है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है और ये शाइन भी नहीं करते हैं, इसलिए मुझे पर्सनली ये पेंसिल बहुत ज़्यादा पसंद आया ग्राफाइट में। सो बहुत ज़्यादा अच्छा है, परचेस कर सकते हैं अगर आपके पास एफर्ट करने का क्षमता है। और ये ब्लेंडिंग के लिए नॉर्मल जो फ्लैट ब्रश आता है, सो वही ब्रश है, ये नॉर्मल फ्लैट ब्रश। और ये मैं खुद से घर के बनाया हूँ, मेरे पास ब्लेंडिंग स्टैम्प नहीं है। सो मैं इसको बनाया हूँ, आप भी बना सकते हैं, कुछ कुछ जुगाड़ हमसे ही कर लेते हैं। ये बनाया अगर इसके ऊपर टोटल चाहिए तो बोल दीजिएगा। और एक है मेकअप ब्रश, ब्लेंडिंग करने के बहुत ज़्यादा स्मूद है। पहले मैं इसको यूज़ करता था बट इससे मुझे मालूम चला ये अच्छा आता है, सो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इधर पर तीन टाइप का ब्रश है, अगर ये तीन टाइप का ब्रश आपके पास है तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। और इधर पर है चारकोल पेंसिल, सॉरी एक साथ हो चुका है, एक कैमिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। और इधर पर एक मैं इधर पर मीडियम का भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा तो मुझे यही ज़्यादा यूज़ होता है तो मुझे ये अच्छा लगता है ज़्यादा। और ये है एक नॉर्मल सी मैकेनिकल पेंसिल का, ये मतलब रिफिल। और ये नॉर्मल एक मैकेनिकल पेंसिल, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, कैमलिन ब्रांड का है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सभी ड्राइंग टूल्स का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक है दो में मैकेनिकल पेंसिल का है और एक नॉर्मल अप्सरा वाला जो पेंसिल आता है दोनों साइड। और एक है ओहा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मैं खुद से बनाया हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना है, खुद से मैं बनाया हूँ ये जो चीज़ आपको दिख रहा है। ये पेंसिल एक्सटेंडर है, मैं आपको थोड़ा सा एक पेंसिल डाल के आपको दिखा देता हूँ थोड़े। सो मैं इधर पर एक पेंसिल मतलब एक्सटेंड करके दिखा दिया और ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कस के पकड़ रहता है, मुझे अच्छा लगता है। और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट जो है मेरे पास एक नीडेड इरेजर है, ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम नहीं किसके पास है। और ये अगर आपके पास ये टॉम्बो 10 इरेजर नहीं है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, इसको 80 रुपीज़ में जो मिला था मार्केट से। और एक है सिल्वर कलर का जेल पेन, एक है नॉर्मल इरेजर, एक है टॉम्बो 10 इरेजर और इसको तो बहुत ज़्यादा पहचान चाहिए। और एक है वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल और एक है टोमोनो 00 का रिफिल और इसका प्राइस है 100 रुपये, एक मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। और एक है सैंड पेपर इसको मतलब कुछ भी पेंसिल को शार्प करने के लिए। और मैं दो कटर यूज़ करता हूँ, मत एक ख़राब है ये अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ पेंट करके भी, देखो बहुत ज़्यादा शार्प है, उसको केयरफुल यूज़ करना पड़ता है। और एक है सीजर जो सबके पास होता ही है। और एक है शार्पनर, मतलब शेष अपनर का पूरा मेरे पास बॉक्स ही है ऑप्शरा का, और यही है शार्पनर का। और एक है टेप, टेप में मेरे पास एक नॉर्मल मास्किंग टेप और एक है
इसको क्या बोलते हैं, डबल साइडेड टेप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो परचेस कर लेना। और एक है सेलो टेप नॉर्मल जो आता है, और एक है ये दो है कलरिंग टेप, ये पिंक कलर में, सॉरी रेड कलर में, ब्लू कलर में, और साइड है एक्रेलिक कलर सेट 12 पीस। पोस्टर कलर कैमलिन का, और इधर पर कैमलिन का आर्टिस्ट वाटर कलर पॉपुलर बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट है फैब्रिक कलर कैमलिन का, सब कैमलिन ब्रांड का ही है भाई। और अगर इस तरफ बढ़े तो उधर पर एक कलर प्लेट, एक्रेलिक कलर के लिए मैं एक कलर प्लेट है, एक्चुअली कलर प्लेट नहीं है, एक कांच है, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, आपको ट्रांसफर हो रहा है, देखो कांच है, और हम जुगाड़ का ही है, तो मुझे ग्लास का ही है। और ये है प्योर प्लेट, प्योर बोल रहा हूँ आ गए आपसे, और ये मैं वाटर कलर के यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल वाटर कलर के यूज़ करता हूँ भाई, वाटर कलर बहुत ज़्यादा फेमस है। और भाई इधर बहुत सारे मेरे पास ब्रश कलेक्शन में करा हूँ, और इसमें अगर मैं अगर मेरे खुद का ओपिनियन दूँ तो इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। और इसमें से मुझे पर्सनली जो ब्रश अच्छे लगते हैं वो अगर अगर एक्रेलिक के लिए बोले तो मुझे पर्सनली ये अच्छे लगते हैं एक्रेलिक के लिए। एक तो आता है मतलब सिंडिकेट का, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, बट ये सिंडिकेट नहीं है, हाफ सिंडिकेट है और हाफ कुछ अलग चीज़ है, मुझे मालूम नहीं किससे बनाता है। और देखिए 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 ब्रश सिंडिकेट का, और ये इतना अच्छा नहीं था। और वाटर कलर पे दो टाइप का ब्रश आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक है नॉर्मल सिंडिकेट और एक जो होता है ये मैं आज ही खरीदा हूँ, और एक है एक ब्रश। अगर आप सॉरी अगर आपको ये मिलता है तो आप जरूर परचेस कर लेना, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, और मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ के उस ब्रश को परचेस करूँगा। और ये बंदा है आपको पता है किससे, और जो इसको मालूम है यानी काट बिराली बोलते हैं उससे, बंगाल में काट बिराली बोलते हैं उससे बनाया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, और इसको परचेस कर सकते हैं। और यही थोड़ा सा ब्रश कलेक्शन, और इतना बहुत ज़्यादा है ना, आपको देख सकते हो। और गाइस ये मतलब जो ब्रश है ना थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा, मतलब ये 365 के आसपास पड़ेगा, 8 ब्रश 360 के आसपास पड़ेगा। और ये ऑयल पेस्टल में आपको दिखा देता हूँ, कैमलिन ब्रांड का ऑयल पेस्टल नॉर्मल जो है आता है जो ये वही है। और ये है डोम्स का कलर पेंसिल, देखिए गाइस डोम्स का जो है एक कलर पेंसिल है, देखिए ये डोम्स का कलर पेंसिल। और नेक्स्ट है कैमलिन का सॉफ्ट पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल आपको सबको पता है, सॉफ्ट पेस्टल मैं आपको खुल कर भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, अरे यार थोड़ा सा घुपरा है, ख़राब है, तो ये मैं यूज़ करा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसको, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, परचेस कर सकते हो। हाँ बट कलेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, गिर रहा है टेबल से, देखो कितना ज़्यादा छोटा। और एक है नॉर्मल पानी रखने के लिए एक बाउल, और एक है पेपर, मतलब ये पेपर का जो मैं पेपर यूज़ करता हूँ मैं स्टेप से लेकर आता हूँ। और एक है ड्राइंग क्लास नोट बुक्स, मतलब ड्राइंग बुक्स, मतलब ये सब पेज है बहुत सारा। और इधर पे एक है मतलब कैनवर्स, देख सकते हैं गाइस कैनवर्स है, और इससे मैं ड्राइंग बनाया भी हूँ हल्का, मैं ना आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, आप चैनल पे जाके चेक करके देख लेना, और वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। और दो स्केल है, एक है सिल्वर का और एक है प्लास्टिक का, और एक बॉल, ये दो स्केल गया। और इधर पर है बॉक्स में खोल के दिखाता हूँ, एक साथ नहीं हो नहीं रहा रे, एक मिनट, हाँ हो गया। देखो ये कुछ मेरा शार्पनर जो वेस्टेड है, आपको चाहिए तो बोल देना फ्री में दे दूंगा भाई, ये कुछ भी है मतलब ये तो खराब हो चुका है, आपको दिखा दो पेंसिल शार्पनर है बहुत सारे कुछ है, और इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ। और इस साइड है एक है, ये है
जिसमें मैं ड्राइंग को रखता हूँ, दो टाइप का है मैं, बट मैं आपको इधर एक ही शो करता हूँ। और इतना ही कुछ, और इतना ही कुछ मेरा ड्राइंग टूल से देखिएगा, इस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा मेरा टेबल पूरा ही भर गया है, इतना सारा है। देखिए एक एक सबको को मैं शो कर दूंगा। और जो जो है मैं अभी तक मैं कुछ कुछ पार्ट का भी वीडियो नहीं आया, जैसे कि ये है एन आई तो यूज करो, ए है फिर ऑयल डस्ट है, फिर इधर पर है, इधर पर मैं क्या क्या पोस्टर कलर, पोस्टर कलर तो मैं कवर ही नहीं करा, जरूर आएगा उसको भी। सो गाइस यही कुछ ड्राइंग टूल्स था। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक।